प्रजातंत्र के इतिहास में संसद में आज एक काला दिवस था। चुनाव आयोग हिंदुस्तान में प्रजातांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली आखिरी इंडिपेंडेंट संस्था है। मोदी जी उसे भी मोदी इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को अब मोदी चुनाव आयोग बनाने के लिए आज राज्यसभा में चुपचाप तरीके से द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 लेकर आया गया। उसका निशाना बड़ा सीधा है। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक खंडपीठ ने अनूप बरनवाल के केस में साफ तौर से कहा कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो प्रजातंत्र देश में कायम नहीं रह सकता। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 3 व्यक्तियों का पैनल बनाया गया था, जिसमें हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता हों, ताकि एक बैलेंस रहे। आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ की उस जजमेंट को निरस्त करने के लिए राज्यसभा में एक गैर कानूनी कानून इंट्रोड्यूस किया गया। दुर्भाग्य से इतना शोरगुल करवाया गया।